किसानों को मिल रहा है आर्थिक सम्मान। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से अन्नदाता के घर में छाई मुस्कान। सोच है, इरादे हैं, किसानों की आय बढ़ाने का प्रण है प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में। इन्हीं इरादों के साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आरंभ किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। हर बार हर किस्त समय से हर साल हजारों करोड़ रुपए का ट्रांसफर बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी कमीशन के, पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारत में ऐसा भी हो सकता है। इस योजना के माध्यम से सभी भूजोतधारी पात्र किसान परिवारों के खातों में हर चार महीने में 2,000 रुपए की तीन समान किस्तों में 6,000 रुपए की सम्मान राशि सीधे ही हस्तांतरित की जाती है। पीएम किसान योजना के आरंभ से अब तक 11 करोड़ 30 लाख से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त हो चुका है। विभिन्न किस्तों के माध्यम से अब तक 1,82,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है तथा कोविड काल के दौरान 1,30,000 करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि को लाभार्थी किसानों के खातों में डाला गया। मोबाइल ऐप, पीएम किसान पोर्टल तथा सामान्य सेवा केंद्रों के द्वारा किसान आसानी से स्वयं ही पंजीकरण कर सकते हैं। हमने पंजीकरण करवाया था, अब हमारे खाते में हर चार महीने के बाद 2,000 रुपये आ रहे हैं। अब हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ इतना आसान हो जाएगा। किसी भी तरह के सहायता के लिए हेल्प डेस्क भी उपलब्ध है। इस योजना का सारा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिले, इसलिए इसमें 5% फिजिकल वेरिफिकेशन का प्रावधान है। पीएम किसान योजना को और पारदर्शी बनाने के लिए लाभार्थियों को आधार से भी जोड़ा जा रहा है। ये योजना विश्व में एकमात्र ऐसी योजना है जिसमें करोड़ों किसानों के खातों में केवल एक बटन दबाने से डीबीटी के माध्यम से सीधे ही धनराशि हस्तांतरित हो जाती है। पीएम किसान योजना नमगे 4 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತದೆ, ನಮಗೆ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಮನೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त के रूप में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 10 करोड़ से ज्यादा अन्नदाताओं के खातों में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है।